आइए थोड़ी देर के लिए हम जीवन यात्रा पर चलें, मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चलें। आराम पूर्वक बैठकर मौन अवस्था में, मौन पूर्ण शांत होकर के भीतर की ओर जागे जागे देखते रहना। तुम स्वयं शिवनेत्र होकर के देखना, देखते चले जाना, जागे जागे कहीं खो ना जाना। सिट कंफर्टेबली विद योर बैक स्ट्रेट एंड योर आईज आर क्लोज्ड। स्टार्ट लुकिंग इनसाइड, सिंपली लुक, सिंपली वॉच, नॉट टू इंडल्ज इन एनी थॉट, रादर लुक एट, सिंपली लुक, सिंपली वॉच वॉट एवर हैपनिंग बिफोर यू इनसाइड, यू सिंपली लुक। भीतर के अंधेरों में विचारों की गति, विचारों की ट्रैफिक है, खूब विचारों की भीड़ है। विचार पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं, भूत के हैं, भविष्य के हैं, बीते हुए कल के हैं, आने वाले कल के हैं। इन्होंने भीड़ इकट्ठी किया है, तेरे भीतर की स्क्रीन पर उतरे हैं। तुम जागे जागे देखते रहना, हर एक विचार के दृष्टा बने रहना, विचारों की चहल पहल को देखना। देखना ही शूरवीरता है, देखना बहुत बड़ी बहादुरी है। मन के विचारों के प्रति, मन के प्रति साहसपूर्ण हिम्मत से दे बैठना, ये संसार में सबसे बड़ी शूरवीरता है, सबसे बड़ी बहादुरी है। इंद्रियाणि जाये शुरू, एक्सपैंड, एक्सपैंड योर स्टेट ऑफ अवेयरनेस। पुनः पुनः वापस लौटना, वापसी, रिट्रीट from the mind is called meditation। तुम अपने स्वभाव में वापस लौटना, जो तुम भूले हो, विस्मृत हुए हो। मन के प्रति बैठना बहुत शूरवीरों का काम है, बहादुर लोगों का काम है। 5 मिनट भी मन बैठने नहीं देता, किंतु जो मन के प्रति अपने साहस हिम्मत को जुटा के बैठते हैं, तनिक मात्र भी कोई रेजिस्टेंस नहीं रखते माइंड के प्रति, केवल जागे जागे रहते हैं, केवल बेपरवाह होकर के बैठते हैं। मन के प्रति तनिक मात्र भी कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल मन की हर एक एक्टिविटी को देखते रहते हैं, मन की करनी को देखते रहते हैं, मन की दौड़ द्वंद्व को देखते रहते हैं, मन की माया को देखते रहते हैं, केवल देखते रहते हैं। उसमें इंडल्ज नहीं होती, वो एक दिन माइंड के पार हो जाते हैं, वो एक दिन बियॉन्ड माइंड, मन के पार, अपने हृदय में, अपने स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस में पूरी तरह से स्थापित हो जाते हैं। यही एकमात्र स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट है, जहां तुम पूर्ण प्रकाशित होते हो, अंधेरा नहीं रहता, और तुम्हारे जैसा साहसपूर्ण दूसरा नहीं है कोई। अगर तुम उस हृदय में अपनी प्यास को लेकर के खड़े हो, मन के प्रति केवल तुम्हारी प्यास, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तड़पन परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए, अपने प्रीतम, अपने साहिबा के लिए,
अपने मुर्शिद के लिए, अपने सच्चे यार के लिए। तुम्हारी प्यास, एकमात्र प्यास, तुम्हारी प्रायोरिटी भीतर के प्रति मन के सामने बैठने देगी, मन के सामने खड़ा करेगी। मन पूरी तरह से घबराहट में भयभीत होकर के भागेगा जब तू प्यास का आलम जगाएगा अपने प्रीतम में समा जाने के लिए, अपनी एनलाइटनमेंट को गेन करने के लिए, अपने शिवनेत्र में समा जाने के लिए, अपने घर में निवास के लिए। तो अपनी प्यास का नगमा जगाना, तुम जागना। अपने से दूर चले जाना भगोड़ापन है, बहुत बड़ा भगोड़ापन है। अपने को भूल जाना, अपने से दूर भागना, ये बहुत बड़ा एस्केपिज्म है। ये कोई बुद्धिमता नहीं है। तुम जागना और जो जो भी भीतर दिखाई दे रहा है उसको निष्पक्ष ऊर्जा की तरह देखना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना। पल पल जागी रहना, अनेकों बार खो जाओगे मन के साथ विचारों में, अनेकों बार चले जाओगे मन के साथ, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में, किंतु बार बार वापस लौटना, पुनः पुनः वापस लौटना अपने स्वभाव में। हम सब का स्वभाव है जागे जागे देखना, जागे जागे रहना, मन से हट करके मन के मास्टर होकर के रहना, मन की गति को देखने वाले होना। तुम दृष्टा, साक्षी, अकर्ता, एक निष्पक्ष ऊर्जा होकर रहना। मन को वापस मोड़ने की कोशिश न करना, तुम स्वयं मुड़ना। मन को जाने देना कहीं भी जाए, मन को रोकना नहीं, मन पे कोई कंट्रोल नहीं करना, मन को दबाना नहीं और मन के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना। तो मन से हट करके, मन से थोड़ा डिस्टेंस रख करके मन की गति को देखते चले जाना और माइंड को कहीं फोकस नहीं करना। वो कंसंट्रेशन दो कौड़ी की है जो तुम्हें बॉक्सिंग में मिलती है, वो बहुत टेम्परेरी है। अगर तुम माइंड को डायरेक्टली देखोगे तो माइंड इंटेग्रेटेड होता जाएगा, उससे मिलने वाली कॉन्सेंट्रेशन पावर निरंतर बनी रहेगी। ब्लिस, बैलेंस, स्ट्रेस बस्टिंग पावर, पावर टू क्लींस योर नेगेटिव माइंड, ये माइंड पावर्स तेरे हाथ लगती चली जाएंगी। टोटल रिलैक्सेशन तुझे मेडिटेशन से मिलता है, वो एनर्जी मिलती है तुझे मेडिटेशन से कि आखिरी दम तक तुम फ्रेश, तरोताजा, बहुत शौर्य रूप, बहुत जवान बने रहते हो। ऊर्जा का भंडार तेरा शिवनेत्र है, प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा अनहदनाद के रूप में जहां बजता है, संगीत ही संगीत है जहां, और जागा ही जागा है जहां, वहां तनिक मात्र अंधेरा नहीं, वहां तनिक मात्र भी कोई द्वंद्व, कोई डुअलिटीज नहीं, वहां माइंड नो माइंड की स्टेट में उतरता है। अगर तुम अपने शिव नेत्र में उतराओ, तुम अपने भीतर तीसरे नेत्र में, इनर आई में थोड़ा निवास करो, तो बाहर का जगत भी तेरे लिए बहुत सुखदायी हो जाएगा। ओ Ah.
Amen. हमको यादर दर घुमाया यार ने, हमको यादर दर फिराया 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 यार, हमको यादर दर फिराया यार ने, लाम कामे घर बनाया 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 यार ने, हमको यादर दर फिराया यार ने, हमको यादर दर फिराया यार ने, लाम कामे घर बनाया 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 यार ने, हमको यादर दर फिराया यार ने, हमको यादर दर फिराया यार ने, अपनी एक अदना तमाशे के लिए, अपनी एक अदना तमाशे के लिए, हमको सूली पे चढ़ाया यार ने, हमको सूली पे चढ़ाया यार ने, लाम कामे घर बनाया यार ने, लाम कामे घर बनाया यार ने, हमको यादर दर फिराया यार ने, हमको यादर दर फिराया यार ने, लाम कामे घर बनाया यार ने, लाम कामे घर बनाया यार ने, बन के की जलवा गिरी, आप तो बुत बन के की जलवा गिरी, और हमको तो काफिर बनाया यार ने, हमको तो काफिर बनाया यार ने, और हमको तो काफिर बनाया यार ने, और हमको तो काफिर बनाया यार ने, लाम कामे घर बनाया यार ने, लाम कामे घर बनाया यार ने, हमको यादर दर फिराया यार ने, हमको यादर दर फिराया यार ने, लाम कामे घर बनाया यार ने, लाम कामे घर बनाया यार ने, हमको यादर दर फिराया यार ने, हमको यादर दर फिराया यार ने, अपने देखने के
रास्ते हमको आईना बनाया यार ने, 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 हमको आईना दर दर फिराया यार ने, हमको यार दर फिराया यार ने, आप अपनी देखने के वास्ते, आप अपनी देखने के वास्ते, हमको आईना बनाया यार ने, 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 राम धाम में घर बनाया यार ने, राम धाम में घर बनाया यार ने, झटक के अलग हुए आप तो दामन झटक के अलग हुए, आप तो दामन झटक के अलग हुए, और हमको तो रुसवा कराया यार ने, हमको तो रुसवा कराया यार ने, और हमको तो रुसवा कराया यार ने, और हमको तो हमको तो रुसवा कराया यार ने, हमको तो रुसवा कराया यार ने, राम धाम में घर बनाया 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 यार ने, हमको यादर दर फिराया हमको यादर दर फिराया यार ने, हमको यादर दर फिराया यार ने, हमको यादर दर फिराया यार ने,
तरफ को रुख फिराया यार ने, जिस तरफ को रुख फिराया तरफ को रुख फिराया यार ने, जिस तरफ को रुख फिराया यार ने, नाम का में घर बनाया यार ने, नाम का में घर बनाया यार ने, हमको जो दर दर फिराया यार ने, हमको जो दर दर फिराया यार ने, हमको याद 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 दर दर फिराया यार ने, नाम का में घर बनाया 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 यार ने, भगवत स्वरूप 14 कला संपूर्ण अपने युग के पूर्ण पूर्ण अवतार सीधा सीधा उस महाशक्ति उस परम तत्व परम शक्ति से साकार रूप लेकर के उतरे हुए प्रकट हुए, ना कि ब्रह्मा जी के हाथों से हम सब की तरह बनकर के आए, कदाचित नहीं। वो जो शक्ति प्रकट हुई वह भी गुरु के द्वार पर 20 साल लगा करके अपनी भगवत्ता को अपनी भगवत रूप को पाने के लिए मिट गई और कितनी सुंदर दिशा दे गई हम मानव जाति को। आज राष्ट्र नायक के रूप में भगवान राम हमारे दिलों पर छाए हैं, परंतु एक बात का ध्यान रखना, क्या हम उनके इशारों पर जीवन जी रहे हैं या केवल राम नाम के जाप ही कर रहे हैं? केवल जाप ही चल रहा है या हम राम की तरह जीवन गुजार रहे हैं? हम एक तरफ राम नाम के जाप करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं घर में ही मिल जाएगा। आज तक मिला है किसी को? स्वयं भगवान राम 20 साल कट अप होकर के गुरु के द्वार पर आत्म ज्योत जगाने के लिए बैठे हैं, और जब तक ज्योत जली नहीं तब तक घर वापस नहीं आ। जब तक जीवन ज्योत जगी नहीं, सुरती द्वार हाथ लगा नहीं, सचित आनंद स्वरूप हाथ लगा नहीं, भगवत्ता हाथ लगी नहीं, घर वापस नहीं लौटे राम। और हम कितने डिस्करेजिंग स्पिरिट, हम कितने मन बुद्धि के गुलाम। एक तरफ हम राम नाम के जाप करते हैं, दूसरी तरफ राम की न्याय जीवन जीने को तैयार नहीं है। एक तरफ हम राम के ऊपर अपनी जाने कुर्बान करने को तैयार हैं, परंतु राम की न्याय राम के दिए हुए इशारे की अनुसार हम जीवन जीने को तैयार नहीं। राम ने बहुत सुंदर इशारा किया, ये पहले अपनी सुरती, सर्वप्रथम अपनी सुरती को जगाइए किसी सदगुरु के द्वारा रह करके, किसी जागे पुरुष के द्वार रह करके अपनी सुरती द्वार को प्राप्त करके फिर आइए संसार में। ये संसार तुम्हें छू नहीं पाएगा, किंतु संसार तेरे पीछे पीछे चलेगा, फिर ये संसार कुर्बान हो जाएगा तेरे चरणों पर। सारे चारों युगों का जगत तेरी महिमा गाएगा जिस दिन तू सुरती जागरण करके बाहर संसार में आएगा। तेरे पास कितना समय है सुरती जागरण के लिए? कितना समय है तुम्हारे पास उसके लिए? कितना समय है? बातें करते हो सुख शांति की, बातें करते हो सब प्रकार की प्राप्तियों की, मुझे सुख मिले, शांति मिले, निरोगी काया मिले, मेरा स्वस्थ जीवन हो, मेरा प्रेमपूर्ण जीवन हो,
आनंद है, आनंद छाए, कुमारी कुमारी उतरे, उसमें प्रेम लगे, मेरा प्यार लगे, मोहब्बत लगे, उसके लिए करते क्या हो, क्या करते हो उसके लिए? कभी कोई कर्म कमाया तूने? बड़े धर्म कर्म कमाए तूने बाहर के, तू बदले में क्या मांगा? धन मांग लिया तूने, संसार मांग लिया तूने, तो उसके साथ तिजारत ही तिजारत किया, कोई प्रेम तो किया ना। मकामी घर बनाया, भगवान राम कहते हैं गुरुवर तेरी लीला तुम जानो। भगवत्ता का स्वरूप होकर के भी भगवान राम ने आखिरी दम तक गुरु को साथ रखा, आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक गुरु को साथ रखा, गुरु के साथ रहे, आखिरी क्षण तक भी गुरु का दामन नहीं छोड़ा। खुद इतने विराट, इतने विशाल, इतने बड़े शिखर अवतारी शक्ति अवतरण हुई है तो भी हर बात गुरु से पूछ के कर रहा है। अरे पुष्प वाटिका में पुष्प लेने जाना है तो भी महाराज से पूछ के जा रहा है। क्या गजब की मर्यादा दिया है उन्होंने, प्यार है ये, मर्यादा नहीं प्रेम है, हर कदम पे प्रेम छलकता है गुरु के लिए। बहुत गजब कहा स्वामी रामतीर्थ ने, प्रभु राम के प्रति, स्वयं भी राम और राम के प्रति क्या गजब पुकार उठाता है। राम का में घर बनाया यार, जिंदगी भर आकाश के नीचे रखा यार, राम का में घर बनाया यार, राम का में घर बनाया यार, हमको तो दर दर फिराया यार, हमको यार दर फिराया यार ने, अपने एक अदना तमाशे के लिए, 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 हमको सूली पे चढ़ाया यार ने, हमको सूली पे सूली चढ़ाया यार ने, प्रेम की सूली चढ़ाया यार ने, हमको या सूली चढ़ाया यार ने, हमको या सूली चढ़ाया यार ने, लामका में घर बनाया यार ने, लाम